चलो बेटा, आज अपन शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड थ्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो 2D होता है, और जो आपके सॉलिड फिगर्स होते हैं वो सारे सॉलिड फिगर्स आपके 3D होते हैं। तो जो 2D होता है वो कोऑर्डिनेट होता है, और जो 3D होता है वो सॉलिड फिगर्स होते हैं। तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D दोनों के बारे में बात करेंगे। तो एक हमारे पास सबसे पहले देखिए तो क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस बेटा, और ये होती है वाई एक्सिस। तो पहली बात तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। तो क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा, इसका नाम रहता है एब्सिसा, और वाई एक्सिस का नाम रहता है ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिला के बनते क्या है? क्वाड्रेंट। ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? क्वाड्रेंट। इसका जो सेंटर पार्ट रहता है, सेंटर को हम बोलते हैं 0.0। यहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू होते हैं, यहाँ से 1 रहता है, 2 रहता है। तो दिस 1 इज 1.0। सर कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे? x, y। तो अगर बच्चे देखेंगे तो यहाँ से x बढ़ता जा रहा है, x, तो यहाँ पे पूरा x पॉजिटिव है, और यहाँ पे पूरा y भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अगर अपन थोड़ी सी और बात करें इस तरफ जाए तो बेटा x यहाँ पे -1, -2, -3। x क्या हो रहा है? प्लस नेगेटिव। x नेगेटिव है और y क्या है आपके पास? पॉजिटिव। तो ये माइनस पॉजिटिव, दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप तीसरे में जाओगे तो y यहाँ पे क्या था? +1, +2, +3, +4, और यहाँ पर y था -1, -2, -3, -4। तो ये आपका फोर्थ, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आप चेक करें इधर इस तरफ देखिए, तो x भी नेगेटिव है आपका, x भी नेगेटिव है, और y भी क्या आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, इट इज व्हाट योर थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपको x पॉजिटिव मिल जाएगा, y क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। तो ये चार क्वाड्रेंट रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस रहते हैं। अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा दोनों प्लस प्लस रहते हैं, x कॉमा y। सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है बस माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास होता है माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास होता है प्लस माइनस। तो आई होप पहले यहां तक समझ में आ गया। सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं ओरिजिन। अब अपन थोड़े से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे चीजें प्लॉट करते हैं, कैसे चीजें लिखते हैं, और कैसे फॉर्मूलेज होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं बेटा। अगर मैं इसको रब कर दूं पूरा की पूरा एकदम से समझ में आ गया, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो अपन अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पहले बात करें, तो अगर समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से ए, यहाँ पे x से 1 है और y से कितना है समझो 5। तो मेरे पास एक पॉइंट है, दिस इज ए, इसको नेम दिया 1.5। और मेरे पास एक और पॉइंट है यहाँ पे, से x2 हो गया, x3 हो गया, एक 3, और यहाँ से y का 1 और y का 2। बस दूसरा पॉइंट है ये 3.2, पहले x लिखा फिर अपन ने क्या लिखा y, 3.2। एंड दिस पॉइंट को मैं नामता हूँ बी। अगर मेरे को ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर मेरे को ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर दिस आई हैव गॉट डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं बेटा x1, y1, इसको हम बोलते हैं x2, y2। तो x1, y1 और ये क्या है? x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि ए बी का स्क्वायर, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, ए बी का स्क्वायर इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास आप खुद बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से y2 कितना है? y2 इज 2, तो 2 - 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ 2 - 5 इज -3 - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ए बी का स्क्वायर कुल मिला के आ गया 13। तो ए बी इज इक्वल टू वुड बी √13। सर यही चीज, अगर यही चीज आपकी 3D में होती, 3D में होती मतलब बेटा क्या हाइट भी होती बेटा 3D का आपको मैं ग्राफ पे ऑफिशियली बोर्ड पे तो समझा नहीं सकता, बट हाँ 3D में होती मतलब उसकी हाइट भी होती। तो बेटा 3D में कोऑर्डिनेट होते हैं x, y एंड z। x भी होता है, y भी होता है, और z भी होता है। तो सर 3D में कोई चीज होती है जब उसका ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा फिगर होता जिसकी यहाँ से कुछ हाइट जा रही है, यहाँ से कुछ लेंथ जा रही है, और वहाँ से कुछ वो ऊपर भी है, तो कुछ ऐसा पॉइंट होता है वहाँ पे, तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है, तो x, y, z होता है। अब सर 3D में कोई दो पॉइंट है, अगर 3D में दो पॉइंट है उनका डिस्टेंस निकालना है, तो अपने पास वही, अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट अपने पास ए है, या मैं आपको एक बताऊँ तो अपने पास ये पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। अपने पास पॉइंट बी है x2, y2, z2। तो इन दोनों का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? ए बी का स्क्वायर
AB का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अगेन द सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस अगर मैं रिपीट तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो 3D में कुछ नहीं होता बेटा, सेम फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, बस यहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है और यहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल जो आपको पूछते हैं वहां पे एग्जाम में, इफ आई विल रब इट आउट, अगर मैं बोलूं आपका कोऑर्डिनेट है a, 3, 5, -2 और b के कोऑर्डिनेट है 4, 1, 3 ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट। अब आपको ab का डिस्टेंस निकालना है 3D में बेटा, तो कुछ नहीं, द सेम फार्मूला, इफ वी फॉलो द ab स्क्वायर सो इट वुड बी व्हाट बेटा, 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास ab का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, तो मेरे पास ab का स्क्वायर is equal to कितना हो जाएगा आपके पास 41, 42 आई थिंक, तो AB would be √42। ये तो मेरा पहला फॉर्मूला हुआ। अगर अपन इसी के साथ थोड़ा सा सेकेंड फॉर्मूला पे जाए अगर अपन, तो अपने पास दूसरा फॉर्मूला आता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला, इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला, सर सेक्शन फॉर्मूला किसकी, जब सेक्शन फॉर्मूला यूज तब होता है जब आप लाइन को किसी सेक्शन में डिवाइड करते हैं, या आपकी ए और बी लाइन, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1, समझ लो इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, बीच में कोई पॉइंट है, लेट्स से हम पॉइंट का नाम लेते हैं P। अब ये P इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये निकालना है तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको P के रेशियो की मतलब, अगर P इस लाइन को लेट्स से 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस रेशियो को बोलते हैं m1 और यहां के रेशियो को बोलते हैं m2, यहां के रेशियो को क्या बोलते हैं m1 और यहां पे क्या बोलते हैं m2। तो p इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो p की कोऑर्डिनेट लेट्स अपन x कॉमा y मानते हैं, x का फार्मूला होता है हमारे पास m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, y का फार्मूला होता है हमारे पास m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो सर एग्जांपल बताएं, तो लेट अस टेक द सम ऑफ द फिगर्स, अगर सब कुछ फिगर लेते हैं बेटा, तो मैं x1 y1 को लेता हूं 3, 5 और समझ लेते हैं ये है आपके पास 5, 6 आपको रेशियो 2:3। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और y, तो आप x और y कैसे निकालेंगे, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द x, तो x क्या रहेगा बेटा आपके पास m1 बेटा क्या आपके पास 2, तो 2 x2 m1 x2 m1 x2 सो 2 × 5 प्लस m2 x1 मींस 3 × 3 अपॉन में m1 + m2 बाय दिस में 2 + 3। अगर मेरे को y निकालना है तो y के लिए कैसे निकालूंगा बेटा m1 तो इट वुड बी 2 × y2 2 × 6 प्लस 3 × 4 कितना 4 अपॉन बेटा m1 + m2 दैट वुड बी 2 + 3। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x इट वुड बी 10 + 9 अपॉन 5 इट वुड बी 19/5 आवर x वुड बी एंड y वुड बी 12 + 12 आई सपोज 24/5 तो ये x की वैल्यू होगी बेटा ये y की वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला के बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसके और क्वेश्चन करेंगे अपन, थोड़ा वेट करो।